Hazır. Sırf ek bar beni baktı sen. बात समझने की कोशिश तो करें, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? ना तो तुम्हारी कोई बात सुननी है ना समझनी है। प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम इस घर में कम तमाशे लगा रही थी जो चाची की तरफ जाकर भी ये सब किया। हसन आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत फहमी हुई। मुझे चक्कर आ गए थे, शहीद तो मुझे सिर्फ सहारा दे रहा था, मेरे और उसके दरमियान में कुछ नहीं है। तुम्हें चक्कर आए थे या तुम जान बूझ कर ये सब कर रही थी? मैं नहीं जानता इसमें से सच क्या है। हाँ, कम से कम मेरी आंखों ने जो देखा वो सच जरूर था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा नहीं सोच सकता था। कम से कम तुम्हारे बारे में तुम्हें जानती हो मुझे क्या लगता था? मुझे लगता था कि तुम एक वफादार बीवी होगी, लेकिन तुमने जो किया और किया तो किया है, कम से कम मेरे भाई के साथ तो ना कर। बस इसके आगे एक और लफ्ज मत कहिएगा। मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूं और ना सुनना चाहता हूं, बल्कि अब तो तुम्हारी शक्ल देखने का दिल भी नहीं है मेरा। कहना आती है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब को बेमोल वफा, अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी, मेरी शहजादी, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा। बेटा हैदर की डेथ को 15 रोज से ज्यादा हो गए हैं। तो तुम आ जाओ भाई, अगले हफ्ते तुम्हारे भाई की शादी है, तुमने कहा था तुम रहने आओगी। बाबा मैं नहीं आ सकती, असल में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा इंतजाम मैंने ही संभाला हुआ है। क्या तुम घर संभाल रही हो? क्या हाजरा भाभी को कुछ अकल है कि नहीं? अरे मेरी फूल जैसी बच्ची से मैंने अपने घर में एक दफा चाय की प्याली नहीं बनवाई और तुम सारे घर के काम कर रही हो। बाबा आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। यहाँ घर के हर एक काम के लिए मुलाजिम मौजूद है, मैं बस सुपरविजन करती हूँ। करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने उनके बहुत इसरार पर ये शादी की है, इसलिए नहीं कि तुम्हें मुलाजिमा बना दिया जाए। बाबा आप तो जज्बाती हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई काम नहीं करती, बल्कि अगर कोई काम कर लूं तो सब खफा हो जाते हैं मुझसे। मैं बस ये कह रही थी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें और इसीलिए मैं मुलाजमों से काम करवा लेती हूँ। ठीक है वो रेस्ट जरूर करें, लेकिन तुम भी ये ना करना कि काम में जुट जाओ और अपनी सेहत का ख्याल छोड़ दो। ओके मेरे प्यारे बाबा आप फिक्र ना करें। अच्छा ये बताओ बेटा कब आ रही हो? बाबा मैं 2-4 रोज में चक्कर लगाऊंगी। मैं कह रही थी कि अगर आप भाभी को भेज देते हमारे यहाँ, क्योंकि मम्मी बहुत याद कर रही है उन्हें। अरे कैसी बातें कर रही हो, उसको कैसे भेज दूँ? अरे सारा घर बिखरा पड़ा है और शादी का घर है, बहुत से काम है। बाबा प्लीज, सोयम से जो गई है तो भाभी अब तक नहीं आई है, उन्हें तो आना चाहिए ना। ओहो भाई आजर बहुत मसरूफ है, किसके साथ आती? तो शहीर के साथ भेज दें। असल में हमाद बहुत मसरूफ है और ड्राइवर छुट्टियों पे,
चलो मैं देखता हूँ। अच्छा बेटा, शहजीन अपना ख्याल रखना, ठीक है? ज्यादा काम वाम करने की जरूरत नहीं है। ओके बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।